हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या होती है गाइस? बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसमें हम कोई भी कंडीशन चेक करा सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करा सकते हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमारी सही है या गलत है। ठीक है, इफ कंडीशन गाइस हमेशा ट्रू होती है। अगर आप कोई भी कंडीशन पास आउट करते हैं, अगर वो कंडीशन सही है तो हमारा इफ ब्लॉक का प्रिंट आता है गाइस। ठीक है, और अगर हमारी कंडीशन वो सही नहीं है तो हम कहाँ जाते हैं गाइस? फॉल्स पार्ट पे जाते हैं इसके। तो इफ कंडीशंस हमने पहले भी सीखी थी, हमारे इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रेड निकालना या पास फेल निकालना सिखाया था गाइस, वहां पर भी हमने इसको यूज किया था। और गाइस अब यहाँ भी इसको थोड़े अलग टाइप से यूज कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अगर गाइस आप हम इसे यूज करें, अगर आपको इसे और अच्छे तरीके से यूज करना है या फिर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज करना है, क्योंकि इफ कंडीशन हर किसी चीज के साथ चल जाती है, हमेशा आपको अपनी कंडीशन निकालनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन चेक करनी है, तो हम इफ कंडीशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल में दे रही हूँ गाइस यहाँ पे। अब हमारे यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ठीक है ना, ये लोकेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं और क्लास नेम है, और ये कुछ सेल्स हैं। अगर यहाँ पे ये सेल्स जो दी हुई है, अगर ये सेल्स किसी ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, सपोज हमने इधर कंडीशन दी है कि अगर सेल्स ग्रेटर देन इक्वल 5000 है तो उसका टारगेट अचीव हो गया, अगर नहीं है तो नॉट अचीव। तो यहाँ पे इधर ऐसे ही लिख कर आएगा ऑप्शन, अगर वो 5000 से ग्रेटर देन में है तो टारगेट अचीव है, अगर 5000 से नहीं है ज्यादा तो टारगेट नॉट अचीव है। ओके, अगर गाइस आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन से आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और गाइस हमारा फेसबुक पेज भी है, आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं। चलिए गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक इफ कंडीशन। देखिए गाइस मैं इधर निकाल रही हूँ, यहाँ से मैं सारी चीज हटा देती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने ये फॉर्मूला हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया गाइस मैंने। अब यहाँ पे आपको लगाना है तो हमने इधर से यूज किया इक्वल और इफ लगाया। ओके गाइस टैप कर दीजिए, अगर गाइस आप यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से बॉक्स में आर्गुमेंट बॉक्स में भी खुल जाएगा कि आपको फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या क्या देने हैं। तो जब हमारा गाइस यहाँ पे इज लॉजिकल टेक्स्ट होता है, इसके अंदर हमारी कंडीशन या फिर हमारा जो टारगेट होता है वो चूज होता है। मैंने कहा जैसे कि ये वाले एरिया है मेरा टेस्ट कंडीशन है, इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दीजिए ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आप कंडीशन लगाना चाहें गाइस यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल लगा दी। ओके, ये ग्रेटर देन में इक्वल में गए और यहाँ पे हमने डाल दिया 5000। अगर किसी का भी सेल्स 5000 ग्रेटर देन होता है तो उसका यहाँ पे आ जाएगा गाइस, टारगेट सॉरी गाइस, ये रहा, तो यहाँ पे हमने टारगेट अचीव लिख गया। ठीक है ना, अगर उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये तो गाइस ट्रू कंडीशन है। अगर ये वाले सेल में जो वैल्यू है गाइस ये इस कंडीशन को मैच करेगी तो हम ट्रू पर जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम इसे फॉल्स भी दे दें। अगर आप ओके कर देते हैं गाइस तो ये सिर्फ 5000 को ही चेक करेगा ट्रू कंडीशन, क्योंकि मैंने इसे फॉल्स दिया नहीं है। अगर आप फॉल्स देना चाहते हैं गाइस तो यहाँ पे इसको फॉल्स भी दे सकते हैं। तो मैंने इधर डाल दिया नॉट अचीव टारगेट, नॉट अचीव, ठीक है, नेक्स्ट फॉल्स कंडीशन में। टारगेट नॉट अचीव, ओके, इधर ओके कर दिया। देखिए गाइस ये निकल गया, अब मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ गाइस, देखिए, और यहाँ पर हमने इसको चेक कर दिया। देखिए इसको मैंने आगे मूव कर दिया कि ये यूज हो गया। देखिए गाइस जहां पर 5000 से कम है वैल्यू वहां तो टारगेट नॉट अचीव दिखा रहा है, और जहां 5000 और 5000 से ज्यादा है गाइस वहां पे वो क्या कर रहा है, टारगेट अचीव दिखा रहा है। तो यहां तो हमने अपना टारगेट निकाल लिया। अब गाइस यहां पर क्या है गाइस, इसका बॉन्ड्स निकाला है हमने कि अगर कोई भी अपना टारगेट अचीव करता है तो उसको कुछ बोनस प्लस हो जाए, उसको कुछ बोनस मिल जाए। ठीक है ना, हम उसको सेल के अकॉर्डिंग उसको कुछ बोनस दे रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो इधर से मैं हटा देती हूँ। ओके,
ये जो इधर फॉर्मूला पुट है गाइस इससे हम हटा रहे हैं, इधर से हटा दिया। अब हम यहाँ से लगा रहे अपना फॉर्मूला। अब मैंने इधर इक्वल लगाया और इफ कंडीशन लगाई। आप गाइस डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, देखिए अब लॉजिक इसमें क्या है, मैंने इसको भी लॉजिक लिया, ओके इक्वल, और मैंने यहाँ पे दिया टारगेट अचीव। अगर इस सेल के अंदर जो मैंने सिलेक्ट किया है, इस सेल के अंदर अगर आपने लिखा हुआ है टारगेट अचीव्ड, ये ना अचीव्ड है, ओके ठीक है आ जाएगा। अगर इस सेल में लिखा है टारगेट अचीव, तो क्या होना चाहिए गाइस, जो ये वाला सेल है ठीक है ना, इसको चूज किया, इसको क्या करा इसने इंक्लूड इनटू कर दिया कितना 5%, यानी कि इसका 5% आ जाए। 10% दे सकते हैं गाइस, 20% लगा सकते हैं, मर्जी है, जैसी कंडीशन लगाना चाहे, ओके ये हो गया। ये तो गाइस वैल्यू ट्रू है, अब ये तो आ जाएगा गाइस ठीक है ना। अगर आप चाहते कि मेरे को इधर इसे एक ही कंडीशन लगानी है, तो इसको क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। देखिए गाइस फॉल्स में मैंने कुछ दिया नहीं था, तो इसने जीरो अपने आप ले लिया और यहाँ पे यूज किया, तो ये देखिए गाइस यहाँ पे वैल्यू आ गई। जैसे ही जिसका टारगेट अचीव हुआ है उसका क्या करा उसने 10% कैलकुलेट कर दिया, और जिसका टारगेट अचीव नहीं हुआ उधर उसने क्या कर दिया गाइस जीरो इंडिकेट कर दिया, ओके। अब ऐसी गाइस हम चाहते दोनों चीज प्लस हो जाए, सम हो जाए दोनों, ओके तो हमने इधर लगा के सम कर दिया, सम ब्रैकेट स्टार्ट दिस अमाउंट कॉमा दिस अमाउंट, ओके ये दोनों क्या करना है आपको सम करना है, एंटर, ये सम हो गया, इसको हटा देते हैं गाइस। ये देखिए अब सम करने के बाद इसको हमने कर दिया ड्रैग, तो ये निकल गया हमारा सम भी निकल गया। देखिए गाइस ये जहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ था वहां पे तो क्या कर दिया गाइस इसने यहाँ पे शो कर दिया वैल्यू, ओके इसने 6000 इसकी वैल्यू थी, 10% इधर ऐड हुआ और टोटल इसका क्या हो गया 6600। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर और लाइक कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।